नमस्कार मित्रों, कला और अध्यात्म का आपस में बहुत गहन संबंध है। इसीलिए किसी भी कलाकार को आपने देखा होगा, दिल से बहुत वो आध्यात्मिक होता है, क्योंकि ईश्वर से कहीं ना कहीं जो लगाव है, जुड़ाव है, वो हमें कला की ओर आगे बढ़ने में प्रेरित करता है, हमारी कला में निखार लाता है। आज जो शख्सियत हमारे साथ मंच पर हैं, वो भी कला जगत की एक जानी मानी हस्ती हैं। कई फिल्मों में आपने इनको रोल अदा करते हुए देखा होगा, जैसे यार गद्दार, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और भी बहुत सारी फिल्में। न केवल आप बहुत मंझे हुए कलाकार हैं, बल्कि आप राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। कई फिल्मों को आपने डायरेक्ट किया है, जैसे ऑल इज वेल, ढूंढते रह जाओगे। लेकिन एक फिल्म जो आपके जेहन में अभी भी बसी हुई होगी, वो है ओ माई गॉड। सचमुच इस फिल्म ने सबको कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था कि सत्य है तो क्या है, ईश्वर है तो कौन है, कहाँ रहते हैं आदि आदि इत्यादि। इतनी सुंदर फिल्म डायरेक्ट करने वाले जो डायरेक्टर हैं, उमेश शुक्ला जी, वो आज के हमारे मेहमान हैं। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। बड़ा आनंद आ रहा है आपको बहुत ही नज़दीक से देखकर, मिलकर। और मन में पहला प्रश्न तो यही उठ रहा है कि कला के क्षेत्र से अब इस आध्यात्मिक मंच पे आप आए हुए हैं ब्रह्मा कुमारीज के, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि कला के क्षेत्र से मैं यहाँ आया हूँ, वो ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं से बाबा बुला ही रहे थे, बहुत पहले से ही बुला रहे थे। आना आज हुआ है, वो है तो, मतलब मैं लेट आया हूँ, बाकी बुलाया तो बहुत पहले से था। तो कैसा लगता है वहाँ की आपकी जो रूटीन रहती है, बॉलीवुड में बहुत भाग दौड़ की रहती है, अब यहाँ जब आप आए हैं एक आध्यात्मिक परिसर में, ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में, तो बड़ा ही अलग सा आपको लग रहा होगा, कहाँ भाग दौड़ और कहाँ बिल्कुल शांति। बहुत शांति लग रही है। इनफैक्ट ये जो शांति का मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो मेरे शूटिंग पे और मेरे काम पर भी अब पड़ रहा है कि वहाँ पर भी अभी शांति रहती है। दो गाली गलौज कम हो गई है, सब शांति से सब हो रहा है। जी जी जी। तो क्या ऐसा लगता है शुक्ला जी कि रियली कला के क्षेत्र में बेहतरीन करने के लिए अध्यात्म का होना जीवन में बहुत जरूरी है? जी, बहुत 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 ही जरूरत है। वो किसी भी तरह का मेडिटेशन हो, अगर उससे अगर आपका मन शांत रहता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर एकाग्र होकर करनी है, तो उसके लिए मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो ये मेडिटेशन बहुत ही काम आता है। जी, ब्रह्मा कुमारी जो राजयोग सिखा रही हैं, उसकी प्रैक्टिस मैंने सुना आप कुछ समय से कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या परिवर्तन आपने खुद में पाया, अपने फील्ड में कार्य करते हुए पाया? मैंने 3 महीने पहले कोर्स किया बोरीवली सेंटर में, और उसके बाद मैं रोज़ मुरली सुनता हूँ, मुरली रिवाइज भी करता हूँ दिन में 1-2 बार हो सके तो। मेरी कार में ब्लूटूथ है तो मुरली सुनता भी हूँ, एक बार पढ़ लेता हूँ, एक बार वहाँ प्रत्यक्ष जाके सुन लेता हूँ। तो उससे मतलब ये बैटरी रिचार्ज करने वाली बात है, तो सुबह में एक बैटरी रिचार्ज हो जाती है तो फिर वो संस्कार चलते हैं अच्छे जी। और ये रूटीन टूटना नहीं चाहिए, ऐसी धारणा करते हैं तो वो रूटीन बना भी रहता है, वो रूटीन टूटता नहीं है। हाँ, एकदम ही कभी ऐसा हो गया कि सुबह 6 बजे का शूटिंग है, 6 बजे निकलना है, तो उस वक्त ऐसा होता है कि कभी नहीं होता है, पर तो भी कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा हो ऐसा लगता है। तो क्या होता है कि बाजू में कोई ड्राइवर जो होते हैं हमारे, जो गाड़ी चला रहे हैं, तो मैं अपना मुरली जो है व्हाट्सएप पे आती है वो पढ़ लेता हूँ, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तरह से वो मैं पढ़ तो लेता ही हूँ Before my shooting starts, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। बहुत सुंदर। मुरली मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मा कुमारीज में दिया जाता है, आप उसकी बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर। एक चीज कई लोग ये कंप्लेन करते हैं, शुक्ला जी आप तो बहुत व्यस्त हैं, फिर भी कईयों का ये कंप्लेन रहता है आज के दौर में कि भाई वक्त कहाँ है स्पिरिचुअलिटी के लिए, मेडिटेशन के लिए, हम सुबह से रात तक भागते रहते हैं, काम रहता है, इसके लिए अब तो शायद हम 60 साल के बाद वक्त निकालेंगे, ऐसे लोगों के लिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम सुबह अगर टूथब्रश करते ही हैं, नहाते हैं ही, कितना भी काम, हम नहाना तो छोड़ते नहीं है, स्नान करते ही हैं, हम ब्रश तो करते ही हैं, नाश्ता भी करते, खाना भी खा ही लेते हैं। अच्छा, तो इसी तरह है। मैंने बीच में ही गुलजार दादी जी का बहुत अच्छा एक वीडियो देखा था कि आप बाबा को कैसे याद नहीं करते हो, आप दिन में 5 या 6 बार पानी तो पीते हो ना, उस वक्त याद कर लिया करो। तो ये सब चीज़ों से
जो ऐसे आर्ग्यूमेंट या ऐसे जो एस्केपिस्ट जो आइडिया है वो सब छूट गए हैं अभी जी। अभी हर दफा मतलब हर दम उनको याद करना वो सहज हो गया है जी जी। मतलब ये इजी है, हमें बस ये समझना है कि यहाँ से हमें अपना वक्त चुराना है और थोड़ा सा अध्यात्म में मेडिटेशन में लगाना है। ओ माय गॉड, बहुत ही ऐसी मूवी थी जिसने सबको, जिसके विचारों तेजक मैं कहूँगा कि सबको विचार करने के लिए मजबूर कर दिया था कि सचमुच ईश्वर है तो कौन है, कहाँ है। ब्रह्मा कुमारीज में आकर के आपको क्या उसका निष्कर्ष मिला कि क्या सचमुच ईश्वर है, हैं तो कहाँ है, क्या यहाँ से कुछ उनका कार्य हो रहा है? जी, ओ माय गॉड का जो मेरा आइडिया था वो उसमें मेरे संस्कार थोड़े कम पड़ रहे थे। मैंने और मेरे राइटर हम लोगों ने जो ये जो स्क्रिप्ट बनाया था उसमें हमेशा यही था कि ईश्वर को मतलब कोई मूर्ति में ना ढूंढो, वो अंदर है, उसे वहाँ खोजो, वो ऐसा उसका एक आइडियोलॉजी था जी। पर ब्रह्म कुमारी इसमें आकर ये एक आइडिया बहुत क्लियर होता है कि वो हर जगह ऐसे नहीं होते हैं। वो तो शिव का शिव कहाँ है, मतलब जो परमात्मा की बात है, परम धाम की बात है, वो थॉट जो है वो यहाँ पर आकर क्लियर ज़्यादा हुआ। तो हाँ, एक बात है कि जो लोग गॉड फियरिंग है, जो फिल्म का एक कॉन्सेप्ट था कि आपको गॉड लविंग बनना चाहिए, गॉड फियरिंग नहीं, तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो काफी ब्रह्म कुमारी से मिलता है जी। तो वो भी एक बहुत खींचता है कि हाँ, ये एक तो ऐसा एक ऐसा संस्था है या एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर ये बात को अहमियत देते हैं कि वो मूर्ति में नहीं है जी। वो निराकार चीज है, मतलब निराकार है ईश्वर, वो यहाँ के थॉट ज्यादा क्लियर हुआ जी जी। मतलब गॉड फियरिंग नहीं, हम गॉड लविंग बने, वो चीज यहाँ भी आपने प्राप्त की और साथ ही जो सत्य है ईश्वर वहां तक भी आप पहुंचे। कितनी गहरी अनुभूति रही कि हाँ, मैंने ईश्वर को अब समझ लिया है, उनका अनुभव कर लिया है और आगे ओ माय गॉड के बाद आगे हाँ वो कौन है उस पर भी कुछ विचार चल रहा है कि कुछ आगे किया जाए। आगे किया जाए ऐसा विचार तो हर वक्त रहता है जी। और दूसरा एक बहुत जो अंदरूनी जो चेंज बोलते हैं उसमें काफ़ी फर्क तो पड़ा ही है 100%। ईश्वर कौन है उसको लेकर तो काफ़ी क्लैरिटी अभी बढ़ चुकी है। अभी भी मैं तो अपने आप को बहुत ही नया समझ रहा हूँ, बहुत ही स्टूडेंट हूँ अभी, और मुझे कुछ वक्त लगेगा जी। यहाँ जो लोगों से जब बहनों को मिलता हूँ, दीदियों को मिलता हूँ, दादियों को मिलता हूँ, तो लगता है कि कितना ज्ञान है, कितना वात्सल्य है, कितना प्यार है उनके पास, वो कब मुझ में भी आए और मैं भी ऐसा बनूं। तो ये अभी कोशिश मैं कहता हूँ कि शुरू की है और धारणा है, संकल्प किया है, तो जरूर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, हमारी भी ढेर सारी ये शुभकामनाएं हैं कि जो सत्य बात है वो आप अपने सशक्त माध्यम जो सिनेमा है उसके द्वारा जन जन तक पहुंचाएं, और जैसे ओ माय गॉड ने इतनी सफलता अर्जित की थी, सभी लोग ईश्वर के सत्य स्वरूप को भी पहचान पाएं। एक खास चीज़ और शुक्ला जी, 102 Not Out, एक बहुत ही सुंदर चीज आप तैयार कर रहे हैं, और सौभाग्य से मैं कहूंगा दादी जानकी जी जो ब्रह्मा कुमारी इसकी चीफ हैं, उनकी भी उम्र 102 साल की हो गई है। क्या इसको कोइंसिडेंट कहें या आपके मन में कुछ ऐसा था कि मैं इनके लिए कुछ करूं? नहीं, 100% ये कोइंसिडेंट से मैं मानूंगा, क्योंकि चार जब से मैं मतलब इन ब्रह्मा कुमारी के वो संपर्क में नहीं आया था जी, उस पहले से 6 साल से एक प्ले चल रहा है हमारा 102 Not Out, जो सौम्य जोशी ने लिखा है और डायरेक्ट किया है जी। मैं तो फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्ले उन्होंने डायरेक्ट किया था जी। वो मैंने सिर्फ प्रोड्यूस किया था प्ले, तो तभी हमारे दिमाग में था ही, मैंने बच्चन साहब को जाके इसकी वन लाइन सुनाई, उनको इमीजिएटली अच्छी लग गई थी। पर वो मैंने 4 साल से उनके पीछे हूँ कि आप डेट्स दे दो, डेट्स दे दो, पर कुछ ना कुछ वजह से डिले होता आ रहा था जी। वैसा किसी का इंटेंशन नहीं था पर हो नहीं पा रहा था जी जी। बीच में मेरी एक फिल्म थी जो थोड़ी डिले हो गई, ऑल इज वेल, तो उसमें काफी टाइम लग गया। पर अभी देखो ये कोइंसिडेंस है कि उनका भी 102 साल का दादी जी का, शायद इसीलिए डिले हो रहा था लगता है। हाँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ।
जी 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 इनफैक्ट मैं उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, दादी का, दादी जी को मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ। दादी जी से आपकी मुलाकात है? नहीं हुई है, पर मैं जल्दी करूंगा और सो कैमरा लेके जाऊंगा, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं मैं उनका लूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इंटरव्यू रियली बहुत ही सुंदर होगा, जबरदस्त होगा। लोगों को ये कहना है ना कि आप कैसे आप मोटिवेट करो लोगों को कि सिर्फ लंबा जीना और इतना अच्छा जीना, इतना इतनी प्रेरणा देना, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जाती। इतने साल तक सेवा कर सके आप जी जी जी, ये बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ आए शुक्ला जी, काफी लंबे समय के बाद आए हैं, पहली बार आए हैं, तो ब्रह्मा कुमारीज में आकर के, माउंट आबू जो हेडक्वार्टर्स है ब्रह्मा कुमारीज का, यहाँ आके कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्या अनुभूति हुई है और क्या यहाँ से लेकर के जा रहे हैं? बहुत शांति महसूस होती है और हर जगह से बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहा है, लोगों से, यहाँ के पेड़ों से, यहाँ के पर्वतों से, हर जगह से जैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है। इस बार मैं ज़्यादा रुक नहीं पा रहा हूँ मेरे स्केड्यूल की वजह से जी। पर मैं ये डिसाइड करता हूँ कि हर साल मैं यहाँ आऊँ और एक हफ्ता गुजारूँ, ऐसी मेरे अंदर से इच्छा है। बहुत सुंदर, आपका हार्दिक स्वागत है, आपका यहाँ आने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला जी, और जो आपकी आने वाली मूवीज हैं और सचमुच बहुत ही प्रेरक हैं, उन सब के लिए आपको अभी से ही इन एडवांस बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो सुपर डुपर हिट हों, और खास करके हम इंतजार कर रहे हैं ओ माई गॉड की आने वाली कड़ी की, कि सत्य तक आप सभी को अवश्य पहुँचें। यहाँ आने के लिए, अनुभव शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। मित्रों, आप थे उमेश शुक्ला जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने अनुभवों को रखा है, एक ऐसा परिसर ब्रह्मा कुमारी इसका, जहां आकर के सचमुच मन शांत हो जाता है, सुकून से भर जाता है, आनंद की ओर बढ़ने लगता है, और सबसे बड़ी बात ऐसा लगता है सत्य की ओर बढ़ने लगता है। सभी को तलाश रही है, जैसे उमेश जी ने भी ओ माई गॉड में इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की थी कि सत्य को जानें, समझें और अपने जीवन में लाएं, यहाँ आकर सत्य बिल्कुल साफ हो जाता है। आप भी अवश्य इस परिसर में पधारें, या ब्रह्मा कुमारीज में जो ईश्वरीय ज्ञान दिया जा रहा है सचमुच वो सुकून के लिए है, शांति के लिए, आनंद के लिए है, वहाँ तक पहुँचने में ये आपको मदद करेगा। आप भी अवश्य इसका अध्ययन करें, श्रवण करें, ताकि जीवन आपका सुख और शांति से परिपूर्ण हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।